हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज दो रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो एक जो है वो रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट है और एक फाइनल रिजल्ट का टेस्ट है, तो दोनों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, वो जनरल रिजर्व की एक पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो कि रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड 875 है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि जो है वो 1045 एप्लीकेशन आयोग के पास रिसीव हुए थे, तो 884 कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 21/2/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, 21 फरवरी को। तो 150 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, 734 कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 150 में से 4 कैंडिडेट्स को जो है वो इवेल्यूशन के लिए बुलाया गया है। तो इन कैंडिडेट्स का जो इवेल्यूशन होगा वो 27 अगस्त 2021 को होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की, जो कि फाइनल रिजल्ट है, और उसमें हम देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट में कौन कौन है और कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं सभी। तो जो नेक्स्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट है, जो कि 3 पोस्टों के लिए था, जिसमें कि ओबीसी रिजर्व की 2 पोस्ट हैं और एससी रिजर्व की 1 पोस्ट है। तो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट थी, तो जिसका पोस्ट को 791 है। तो यहाँ पे जो है वो 1091 एप्लीकेशन जो आयोग के पास रिसीव हुए थे, जिसमें से कि 466 कैंडिडेट्स को ही एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो 15/12/2020 को जो है वो टेस्ट करवाया गया था 15 दिसंबर को, जिसमें से कि 222 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, 244 कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट रहे थे। ठीक है, तो 11 कैंडिडेट्स को जो है वो इवेल्यूशन के लिए बुलाया था। तो इन जो कैंडिडेट्स बुलाए थे इवेल्यूशन के लिए, तो 26 जून 2021 को इनका इवेल्यूशन हुआ था। तो यहाँ से जो 3 पोस्टें थी, तो 3 कैंडिडेट्स को जो है वो फाइनल सिलेक्शन दे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साहिल दीवान, जिसके कि 59.02 मार्क्स है, और ललित कुमार, जिसके 59.80 मार्क्स है, और अभिषेक चौधरी, जिसके 58.90 मार्क्स है। ठीक है, तो बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे जो वेटिंग में कैंडिडेट्स रखे गए हैं ओबीसी रिजर्व में, वो 3 कैंडिडेट्स रखे गए हैं, शुभम, विकास कुमार और अनुज बैंस। तो उसके बाद जो है वो एससी रिजर्व में जो है वो 4 कैंडिडेट्स रखे गए हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई है, तो बाकी आप चेक कर सकते हो इन कैंडिडेट्स के, और इवेल्यूशन में कितने मार्क्स लगे हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओबीसी रिजर्व के लिए कट ऑफ जो गई है वो 58.90 गई है, और जो एससी रिजर्व के लिए कट ऑफ गई है वो 59.80 गई है। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कैंडिडेट्स इवेल्यूशन देने के लिए गए थे। तो 11 कैंडिडेट्स बुलाए थे, लेकिन 10 कैंडिडेट्स ही इवेल्यूशन के लिए गए थे। तो आप चेक कर सकते हो कि इन कैंडिडेट्स के इवेल्यूशन में कितने मार्क्स लगे हैं और रिटर्न में इन्होंने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो सब आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, तो ये उन कैंडिडेट्स के मार्क्स है जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने अपना कितना स्कोर किया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 222 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे उनका क्या स्कोर आया। ठीक है, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो या फिर आयोग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताना था आपको। धन्यवाद।